नमस्कार साथियों, आप सभी का एग्जाम तक स्टडी में हार्दिक स्वागत है। डीएलएड 2020 से 22 के लिए अगर आपने भी अप्लाई किया है तो इसके एग्जाम का डेट फिक्स हो गया तथा वैकेंसी डिटेल भी जारी कर दी गई। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि लास्ट में हम बताएंगे कि किस कॉलेज में कितनी वैकेंसी है पूरे डिटेल के साथ। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। डीएलएड में इस बार 302 संस्थानों की 29,200 सीटों पर होगा दाखिला। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड कोर्स के लिए राज्य में 302 मान्यता प्राप्त संस्थानों की 29,200 सीटों पर इस बार दाखिला होगा। दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है, जो 10 अगस्त को होगी। तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तिथि 10 अगस्त को घोषित कर दी गई है। इसके लिए राज्य में 338 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना वायरस के कारण आपका एग्जाम सेंटर पास ही जिला या होम डिस्ट्रिक्ट में पड़ सकता है। जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों की लिस्ट जारी की गई है इनमें 242 गैर सरकारी और 60 सरकारी, 242 प्राइवेट तथा 60 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। बिहार बोर्ड ने इस सभी संस्थानों की लिस्ट जारी की है। लिस्ट के साथ साथ संस्थानों की एनसीटीई से मान्यता प्राप्त की अवधि और बिहार बोर्ड से संबद्धता की अवधि के सत्रों की जानकारी भी दी है। अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन न हो इसके लिए डीएलएड संस्थानों की सूची जारी की है। स्वीकृत सीटों की संख्या भी जारी कर दी है। इन 302 संस्थानों में कुल 29,200 सीटें हैं। तो 302 संस्थानों में 29,200 सीटें हैं। हम लास्ट में बताएंगे किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं और आपके ज़िले में कितने कॉलेज सरकारी हैं, कितने प्राइवेट हैं, सभी बातें बताएं। पटना में सरकारी और गैर सरकारी मिलाकर कुल 42 संस्थान हैं। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के जरिए सत्र 2020-22 में नामांकन लिया जाएगा। परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य मानकों का ख्याल रखा जाएगा। प्रवेश परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की जिम्मेदारी केंद्राधीक्षक व जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपी गई है। पहले यह परीक्षा 28 मार्च को होनी थी, लेकिन कोविड-19 को लेकर बोर्ड ने यह परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। 10 अगस्त को होगी संयुक्त प्रवेश परीक्षा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा 10 अगस्त को दो पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:30 बजे, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित होगी। पेपर 2.5 घंटे का होगा। तो आप चलिए आपको दिखाते हैं जिलावार लिस्ट, किस जिले में किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं और आपके ज़िले में कितने कॉलेज सरकारी और गैर सरकारी। तो चलिए दिखाते। तो बिहार राज्य में डीएलएड कोर्स हेतु संबद्धता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों की सूची। जिला का नाम इधर मुंगेर, पूर्णिया, जमुई, लखीसराय सभी जिले का नाम है तथा सरकारी गैर सरकारी। आपका कॉलेज सरकारी है या गैर सरकारी है तथा महाविद्यालय का नाम तथा कुल सीट, जिसमें पूर्णिया में 50 सीट, गैर सरकारी स्वदेशी कॉलेज ऑफ एजुकेशन पूर्णिया में 50 सीट। इसी प्रकार सभी कॉलेज की लिस्ट वाइज सीट दी गई है। तो हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर अपने ज़िले के कॉलेज का लिस्ट में सीट चेक कर पाएंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा पीडीएफ का, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।